देखिए टोटल 80 नंबर का आपका 2019 का पेपर है, इसमें से एक क्वेश्चन अगर मैं दो नंबर का निकाल दूं, मतलब 78 मार्क का एग्जैक्ट वही क्वेश्चन फंसा हुआ है जो मैंने अभी आपको गेस करके गेस पेपर में बताया है। 78 मार्क का एग्जैक्ट वही क्वेश्चन फंसा है जो मैं अभी आपको गेस पेपर में प्रोवाइड किया हूं। अगर मैं 2018 की बात करूं, 2018 में भी दो क्वेश्चन निकाल दीजिए, तो दो के एक क्वेश्चन उसमें से भी निकाल दीजिए सेक्शन ए का, तो उसमें भी 78 मार्क का एग्जैक्ट वही क्वेश्चन फंसा है जो मैंने अभी तक आपको गेस पेपर में बताया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जल्दी से फोर्थ पेपर भी अपलोड कर दीजिए MSc फर्स्ट ईयर मैथ का, तो बिल्कुल आपके सामने हाजिर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो बिल्कुल वेट ख़त्म हुआ, थोड़ा सा बिजी थे तो इस वजह से डाल नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको टाइम्स में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके से गेस्ट पेपर प्रोवाइड करता हूं, जो लोग नए हैं चैनल पर उनको मैं थोड़ा सा एक मिनट में बता दूं कि हम लोग यहां पर 2015 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। मैं इसको लेकर के इसके एनालिसिस करूंगा और इसके बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं प्रोवाइड करूँगा आपको एक गेस्ट पेपर जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। ये देखिए 2019 का पेपर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसके बेसिस पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और उन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ करके चले जाइएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसी में से आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी तक के जितने पेपर्स हुए हैं सब उसी में से आया है, तो इसलिए मैं बिग गारंटी के साथ इसको आपको कह सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आते हैं, और ये अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर के कॉन्टैक्ट करिए, PDF आपको मिल जाएगा ओनली इन 10 रुपीज़। तो चलिए फटाफट से आते हैं, सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट, डिफाइन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। देखिए कुछ लोग बोले सर आप सब कुछ टिक कर देते हैं, तो जो लोग मेरे गेस पेपर को बहुत पहले से देख रहे हैं उनको तो पता होता है कि मैं क्या करता हूँ। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और धैर्य रख करके 2019 तक के पेपर तक देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सिर्फ पहला पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा मैंने तो सारा गेस कर दिया, क्योंकि सारा रिपीटेड क्वेश्चन तो आगे आने वाला है, तो मैं अभी तो सारा गेस करूँगा ही करूँगा ना, तो अभी ऐसी बात है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं, दिया है डिफाइन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार करके जाइएगा। डिफाइन मेरोमॉर्फिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। डिफाइन रेसिड्यू एट पोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। डिफाइन कॉनफॉर्मल मैप बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा। गामा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल फंक्शन इंपॉर्टेंट है, यूनिवेलेंट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, नेचुरल बाउंड्री ऑफ अ फंक्शन इंपॉर्टेंट है, हॉर्जविट्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन मैं बता दूं आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। एंड लास्ट शॉर्ट के इसको क्यों छोड़े, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब 10 का 10 क्वेश्चन इसका पढ़ करके जाइए, 2015 का कोई क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सेक्शन ए का सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अभी आगे प्रूफ हो जाएगा, पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में आप जानते हैं 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 200 वर्ड में आपको आंसर देना होता है, कुल मिला के 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत यहाँ से है। तो क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या पूछा हुआ, स्टेट एंड प्रूफ राउचीज थियरम इम्पॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। इसमें आपको सो दैट करने के लिए पूछा है, तो सॉरी सो दैट करके और करके यहाँ पे पूछा हुआ है, तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है फाइंड ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से न्यूमेरिकल लगातार पूछा गया है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा, वो भी हाफ प्लान वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट स्टेट एंड प्रूफ मॉन्टेल थ्योरम इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्योंकि ये ज़्यादा रिपीट नहीं करता मॉन्टेल वाला, लेकिन आप पढ़ करके जाइएगा, कभी कभी तो आता ही है। नेक्स्ट है स्क्वाट या रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाइएगा। प्रूफ हार्नेक इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाइएगा। एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन एंड प्रूव इट्स यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। एंड इसको छोड़ दीजिएगा, प्रूफ दैट इसको छोड़ दीजिएगा, ये रिपीट नहीं करता है। नेक्स्ट है
प्रूव दैट, इसको भी छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी में पहला है वीरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया हुआ है और इसका नाम तो अभी आप लोग पिछले गेस पेपर में सुन चुके होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। एंड प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जीरोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। एंड 1/4 थ्योरम भी इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाइएगा। वीबर बैस कंजेक्चर्स, डिस्कस एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ वेयर वाई इज लार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाएगा। मतलब यहाँ से 2015 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड ही डाले हुए हैं जो आगे चल करके रिपीट किए गए हैं, तो इसलिए सारा का सारा यहाँ से तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। आगे आते हैं 2016 के पेपर पर। अब आते हैं 2016 के पेपर पर, एमएससी फर्स्ट ईयर फोर्थ पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2016 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल फंक्शन, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन, मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी अभी 2015 में। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। रीमान जेटा फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीटेड तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन प्रिंट ही नहीं किया, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट है प्रूव दैट इफ एक्स इज रियल, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। कैनोनिकल प्रोडक्ट मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी टिक कर दिया। सॉजर्ड रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल मैंने टिक कर दिया। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, ये नया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, तैयार करके जाइएगा। इनवर्स फंक्शन थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा दोनों के दोनों। और बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने टिक कर दिया, बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट, छोड़ दीजिएगा। देखिए हुरविट्ज थ्योरम मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। नेक्स्ट है प्रूव दैट यूनिट सर्कल, ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है मिटीज लेफलर थ्योरम, ये तैयार कर लीजिएगा। हेडमार्स D3 सर्कल थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें प्रूव दैट, ये भी नहीं रिपीटेड है, छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है इफ साइन जेड डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ लॉग जेड, ये भी छोड़ दीजिए, नॉट रिपीटेड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के आगे, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, सीधे आते हैं सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7, ये तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, पाई कॉस एफ पाई जेड वाला, ठीक है, तैयार करके। जेनसेन फार्मूला इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। हार्ड मार्ड मैंने फैक्टराइजेशन थ्योरम अभी मैं टिक कर दिया हूँ। मोनोड्रोमी थ्योरम तैयार कर लीजिएगा, स्कॉटी मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं 2016 पर, सॉरी 2016 नहीं 2017 पर आते हैं, मैथमेटिक्स फोर्थ पेपर 2017 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर आते हैं। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये देखिए अब आएगा असली मज़ा। एनालिटिक फंक्शन मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ये नया है, तैयार कर लीजिएगा। सिंगुलैरिटी मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। रेशनल फंक्शन मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। ओपन मैपिंग मैंने पहले ही टिक कर दिया। मॉन्टेल मैंने पहले ही टिक कर दिया है। एंड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इसको तैयार करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर से एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन भी मैंने टिक कर दिया है, और इसका ये जो दोनों दिया है ना, इवैल्यूएट और प्रूव दैट, ये भी तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है। एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन भी मैंने टिक कर दिया है। तो आगे आते हैं, ये देखिए इक्वल टू आर वाला, मैं इसको भी अगर आगे आएगा तो दिखाऊंगा। और आगे है इसमें Z+1 वाला, ठीक है। सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी, पहला है मॉडुलस थ्योरम, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है, प्रूव दैट काट दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हार्नैक इनइक्वालिटी मैंने पहले ही टिक कर दिया है, ये वाला काट दीजिए। नेक्स्ट है पॉइजन जॉनसन, अगर आपको याद होगा जॉनसन फार्मूला अभी मैंने टिक किया था पीछे जस्ट, तो ये मैंने टिक कर दिया है, प्रूफ डेट काट दीजिए। सीधे बढ़ते हैं, विस्ट्रास मैंने पहले ही टिक कर दिया है।
वाइबर, अगर आपको याद होगा वाइबर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले टिक कर दिया है, और नेक्स्ट है स्वार्ज लेम्मा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था, लेकिन स्वार्ज लेम्मा थोड़ा सा डिफरेंट उससे है, तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मैंने इसको पहले टिक किया था। अब आगे आते हैं सेक्शन सी पर, तो अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में अब देखिए मज़ा आएगा, अब आपको लगेगा हाँ अब सब टिक नहीं कर रहे हैं सर। तो देखिए हेडमार्स थ्योरम मैंने पहले टिक कर दिया है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन 8 रिपीटेड है, तैयार कर लीजिएगा इसको, ये आ सकता है, W इक्वल टू टेन स्क्वायर जेड बाई टू, ठीक है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एक नया क्वेश्चन है बाकी, देखिए ये देखिए वीबर बेस कंजेक्टर एंड प्रूव 1/4 थ्योरम मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, हॉर्विट्ज मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, और ए सिम्प्टोटिक बिहेवियर मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन सी का 5 क्वेश्चन आपके आपसे पूछा हुआ है, 5 में से 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट वही हैं जो मैंने अभी तक आपको टिक करके बताया है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी शुरू में बता रहा था, ये भी तैयार कर लीजिए, ये भी तैयार कर लीजिए। अब देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपसे तैयार करने के लिए, ठीक है, सिर्फ यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन बोला है, बाकी सारा कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लियर है। तो अभी मैं आगे आता हूँ 2018 के पेपर पर, अब आते हैं मैथमेटिक्स फोर्थ पेपर 2018 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मेरोमॉर्फिक फंक्शन मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, कॉनफॉर्मल मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, मैक्सिमम मॉडुलस मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, नेचुरल बाउंड्री मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, एनालिटिकल कॉन्टिन्यूएशन मैंने पहले ही टिक कर दिया है, रीमान जेटा फंक्शन मैंने पहले ही टिक कर दिया है, और ये वाला तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक दो जरूर डालता है और हर बार अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंट करके डालता है, इसलिए मैं इसको जनरली टिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार ये चेंज कर देगा तो आप बोलेंगे सर ये तो आया नहीं, लेकिन चलिए तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड पावर सीरीज, देखिए पावर सीरीज तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कम आता है लेकिन आ जाता है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल मैंने पहले ही टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पर आते हैं, सेक्शन बी में देखते हैं कितना क्वेश्चन फंसा हुआ है। तो सेक्शन बी की अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्वार्ज लेम्मा मैंने पहले टिक कर दिया, इनवर्स फंक्शन थ्योरम मैंने पहले टिक कर दिया, बाइलिनियर मैंने पहले टिक कर दिया, रीमान मैपिंग मैंने पहले टिक कर दिया, मिटेज लेफर्स मैंने पहले टिक कर दिया, स्वार्ज रिफ्लेक्शन मैंने पहले टिक कर दिया है, और ये अगर आपको याद होगा तो सेम टू सेम मैंने पहले अभी क्वेश्चन टिक किया था पीछे, सेम टू सेम रिपीट किया हुआ है, तो ये मैंने पहले टिक कर दिया है, प्रूफ दैट काट दीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6वें क्वेश्चन पर आते हैं, 6वां क्वेश्चन भी मैंने पहले ही टिक कर दिया है, हेडमार्क भी मैंने पहले ही टिक कर दिया है, और इसका नेक्स्ट पूछा है डिफाइन ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है सेक्शन बी का जो आपको ना आ रहा हो, एक दो ऐसे क्वेश्चन है जिनके और वाले मैंने बोला है कि मत करिएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 5 का और वाला मैं कट किया हूँ, बाकी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और वाला भी आपको आ रहा है क्वेश्चन, और जो करना है वो भी आ रहा है, मतलब 10 क्वेश्चन पूछे गए सेक्शन बी में, 10 में से 9 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, अब बताइए इससे अच्छा क्या होगा। सेक्शन ए की आप देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 अगर प्रूफ दैट वाला मैं छोड़ दूं, तो वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये वाला भी मैं टिक किया था, 10 में से 9 क्वेश्चन बोलिए, एक्स इज रियल वाला अगर आपको याद होगा मैं टिक किया था अभी पीछे, कि ऐसा वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। तो 10 में से 9 क्वेश्चन एग्जैक्ट वही फंसे हुए हैं जो मैंने टिक किया था, ठीक है, इसमें से सेक्शन ए में से। सेक्शन बी का तो सबका सब फंस रहा है, 2018 में अभी हम लोग हैं, अभी 2019 में क्या होने वाला है। तो आगे आते हैं इसका सेक्शन सी, देखते हैं इसमें कितना फंसा है। तो सेक्शन सी में अगर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कट गया है, क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग बात करते हैं, इसमें जिसने भी भेजा है सेव एक क्वेश्चन को कट कर दिया है। चलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से भेजा करिए पीडीएफ को, ताकि मैं आराम से करवा सकूँ, कोई बात नहीं। चलिए हेडमार्ट फैक्टराइजेशन मैंने पहले टिक कर दिया है, हॉर्विट्ज मैंने पहले टिक कर दिया है, एक देखिए यहाँ पे नया क्वेश्चन पूछा और इम्पॉर्टेंट है ग्रेट पिकार्ड थ्योरम, ये तैयार करके जाइएगा, हालांकि ये मैंने टिक नहीं किया था लेकिन कोई बात नहीं। एंड ये देखिए आप बीवर बेस कंजेक्टर मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी तो चलिए अभी मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 4 में से आपको सेक्शन सी में आप जानते हैं 2 क्वेश्चन करना होता है, और आपको आ कितने रहे हैं 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आप आंख बंद करके करके आते कि आपको 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं करना, आपको एक है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 भी इसका फंसा हो लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पेपर पर, जो कि है 2019 का पेपर। तो यहाँ से देखिए 2019 का पेपर शुरू है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस,
2018 में आपने देखा कि सेक्शन सी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको ना आ रहा हो, मतलब दो क्वेश्चन आपको करने हैं, तीन तीन क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। सेक्शन बी में आपने देखा कि सब कुछ आपको आ रहा है, सेक्शन ए की तो बात ही छोड़िए, 10 में से 9 आ रहा है, मतलब बेहतरीन आपका पेपर जाता। अब देखते हैं 2019 में कैसा पेपर आपका जाता अगर आप मेरे दिए हुए गेस्ट पेपर को तैयार करके जाते। तो अगर आपको याद होगा तो इंटीग्रल फंक्शन मैंने टिक कर दिया और सेम क्वेश्चन मैंने टिक किया, पीछे जाके देख के आइए कि 1/2 = √π वाला ये क्वेश्चन भी मैंने टिक कर दिया, आप तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट नेचुरल बाउंड्री मैंने टिक कर दिया, कॉन्फॉर्मल मैंने टिक कर दिया, एनालिटिकल मैंने टिक कर दिया है, ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, ऑर्डर ऑफ द फंक्शन तैयार करके जाइएगा, ये मैं मान लेता हूँ कि मैंने टिक नहीं किया है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज मैंने देखे सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, मैंने टिक कर दिया है। यूनिवेलेंट फंक्शन अभी पीछे था एक क्वेश्चन में, मैंने टिक कर दिया है। और देखिए बाइवर बेस कंजक्टर मैंने टिक कर दिया है, एंड डिफाइन एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस मैंने टिक कर दिया है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए मैं छोड़ दूँ ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, जबकि ये भी एक क्वेश्चन में भी आया था, तो उसको छोड़ने के बाद 10 में से 9 क्वेश्चन, चलिए एक छोड़ देते हैं, 10 में से 9 क्वेश्चन एग्जैक्ट वही आए हुए हैं जो मैंने अभी तक आपको गेस्ट पेपर में प्रोवाइड किया है सेक्शन ए का। सेक्शन बी में आते हैं तो सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो पहला ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टिक कर दिया, आप लोग जाकर के देखिए सर्कल वाला। इनवर्स फंक्शन मैंने टिक कर दिया, राउस थियरम मैंने टिक कर दिया, रीमान मैपिंग मैंने टिक कर दिया है, एंड कॉसिक वाला अगर आपको याद आ रहा है, कॉसिक वाला मैं बोला था ये क्वेश्चन रिपीट करता है, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने टिक कर दिया है। मैक्सिमम ऑर्डर मैंने टिक कर दिया है, एंड इसमें देखिए यहाँ पे देखिए अल्फा इज रियल पूछा है, अभी पीछे एक्स इज रियल करके पूछा था, तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। इसमें यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट करके देता है, लेकिन एक ही तरीके से प्रूव करना होता है, तो ये वाला आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए एनालिटिकल कॉन्टिन्यूएशन से यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये मैंने टिक कर दिया है। मीटिज लेफर्स मैंने टिक कर दिया है, और हेडमार्ट 3 सर्कल थियरम भी मैंने टिक कर दिया है, और ये देखिए यहाँ पे नेचुरल बाउंड्री भी मैंने टिक कर दिया है। तो अगर आप सेक्शन बी देखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने टिक नहीं किया है, A to Z क्वेश्चंस एग्जैक्ट वही आए हैं जो मैंने आपको टिक करके दिया हुआ है सेक्शन बी में, मतलब तहलका जिसको बोलते हैं, हलवा लिखिए। अगर आसान लग रहा हो कि हाँ एकदम जो सर पढ़ाए हैं वही आ रहा है, तो हलवा लिखिए कमेंट बॉक्स में, हलवा लिखिए। और जो लोग भोजपुरी बेल्ट से वो लोग हलवा लिखे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 पर, स्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम मैंने टिक कर दिया है। गामा फंक्शन देखिए एनालिटिकल कैरेक्टर में गामा फंक्शन पूछा है, थोड़ा नया है, तैयार करके जाइएगा, कोई बात नहीं, मान लेता हूँ मैंने गामा फंक्शन टिक नहीं किया, लेकिन अभी मैंने टिक कर दिया। पावर सीरीज मैंने टिक कर दिया है, और एक और देखिए नया क्वेश्चन से पूछा, ब्लॉच थ्योरम ये भी तैयार करके जाइएगा, कभी कभी रिपीट करता है, और शॉर्ट की थ्योरम मैंने टिक कर दिया। चलिए यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि 2 क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 8 काट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 काट दीजिए। तो देख रहे हैं आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सेक्शन सी के, 5 में से 3 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं जबकि करना आपको सिर्फ 2 है, तो आप बड़े आराम से प्यार से करके आएंगे, क्या दिक्कत है, आराम से आप करके आएंगे, मतलब यहाँ से भी आपका कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो अगर एक क्वेश्चन अगर मैं सेक्शन ए का निकाल दूँ, है ना, टोटल कितने नंबर का है, 20 नंबर यहाँ सेक्शन ए से, सॉरी 20 नंबर सेक्शन ए से, सेक्शन बी से 40 नंबर हो गया 60 नंबर, और सेक्शन सी से हो गया 20 नंबर 60 70 80 नंबर का पेपर आपका है, 80 नंबर का आपका 2019 का पेपर है। देखिए टोटल 80 नंबर का आपका 2019 का पेपर है, इसमें से एक क्वेश्चन अगर मैं 2 नंबर का निकाल दूं, मतलब 78 मार्क का एग्जैक्ट वही क्वेश्चन फंसा हुआ है जो मैंने अभी आपको गेस करके गेस पेपर में बताया है, 78 मार्क का एग्जैक्ट वही क्वेश्चन फंसा है जो मैं अभी आपको गेस पेपर में प्रोवाइड किया हूं। अगर मैं 2018 की बात करूं, 2018 में भी 2 क्वेश्चन निकाल दीजिए, तो दो के एक क्वेश्चन उसमें से भी निकाल दीजिए सेक्शन ए का, तो उसमें भी 78 मार्क का एग्जैक्ट वही क्वेश्चन फंसा है जो मैंने अभी तक आपको गेस पेपर में बताया है। तो बिल्कुल हलवा है ना, तो हलवा लिखिए आप कमेंट बॉक्स में जाके, हलवा लिखिए सर, हलवा है बिल्कुल तहलका, ठीक है। तो बिल्कुल जितना मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 या 30 क्वेश्चन आपके हुए होंगे, उसको आप एकदम मन से अच्छे से ईमानदारी से तैयार करके जाइए और तहलका मचा के आइए, और आ करके फिर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सर इतने में से इतना फंसा है आपके गेस पेपर से, और उसके आगे लिखिएगा सर हलवा पेपर था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में। अगर आपको किसी और पेपर का गेस्ट पेपर चाहिए तो प्लीज़ या किसी क्लास का या किसी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।